नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण और आप सभी का स्वागत है न्यूज क्लिक के शो डेली राउंडअप में। आई नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने चुनौतियां, एडोकवाद, एनईपी और अन्य। बनारस में किसान आंदोलन के समर्थक छात्रों के खिलाफ FIR, सिंदौरा थाने पर प्रदर्शन। बागमारा कोल साइडिंग में छटनी का विरोध कर रहे मजदूरों पर प्रबंधन ने कराया लाठीचार्ज। बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देते 1200 मार्क्सवादी बुक स्टॉल। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 18,987 नए मामले, 246 मरीजों की मौत। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी डूटा के चुनाव नवंबर में होने जा रहे हैं। न्यूज क्लिक ने प्रोफेसर आभा देव हबीब से एक खास मुलाकात में जानने की कोशिश की कि वे कौन से मुद्दे हैं जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों के सामने मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति और 4 वर्षीय स्नातक FYUP के संभावित खतरों के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह भी बताया कि एडहॉक व्यवस्था किस तरह से उच्च शिक्षा को खोखला कर रही है और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण संस्थानों पर सरकारी खर्च को बढ़ाने की इस वक्त बहुत जरूरत है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सबसे गंभीर मसला डूटा के सामने आज जो बना हुआ है वो ये कि 4,000 से ज़्यादा टीचर्स यहाँ पर एडहॉक की तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जिनके पास कोई मेडिकल लीव नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, जिनके पास ये एश्योरेंस नहीं है कि कल को अपॉइंटमेंट होगा तो उनका हो पाएगा कि नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने इतने साल काम किया है। कि सरकार से हम पिछले 2 साल से बहुत कंसिस्टेंट तरीके से ये मूवमेंट चला है कि हम वन टाइम रेगुलेशन ऑन एब्जॉर्प्शन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि ये जो 10 साल में इनका संख्या जो है बढ़ के 4,000 इसलिए हुआ क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। 3 बारी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन पूरा नहीं हो पाया। 2015 में, 2016 में, दिसंबर में एक हाईकोर्ट जजमेंट आया जिसने कहा कि टाइम बाउंड मैनर में अपॉइंटमेंट होना होगा और DU को, MHRD को और UGC को इसका पार्टी बनाया इस कोर्ट केस में और कहा इसे टाइम बाउंड में करो। तब हम देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल पूरी नहीं होती। 5 मार्च 2018 में एक UGC का लेटर आ जाता है जो कहता है कि रोस्टर को चेंज किया जाए, इंस्टेड ऑफ 200 पॉइंट रोस्टर ट्रीटिंग कॉलेज एज अ यूनिट और अ यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट, आप डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर करिए। ये बिल्कुल एंटी रिजर्वेशन तो था ही था पर उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता एक बहुत बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम था। NEP ये चाह रहा है कि जो इस समय अकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए। इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी वो ये चाह रहा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो 20 से 25 प्राइवेट लोग होंगे, जैसे आज के दिन में गवर्निंग बॉडीज दिल्ली सरकार की होती हैं या हमारे कॉलेजेस की होती हैं, इस तरीके के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में के अंतर्गत हम एक यूनिट को डालेंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कोई रिप्रेजेंटेशन टीचर्स को मिलेगा नहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे कि सर्विस कंडीशंस कैसे होंगी, वो तय करेंगे कि कोर्सेज क्या चलेंगे, एम्प्लॉयज़ की क्या पूरी सर्विस कंडीशन एक्चुअली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देखेंगे, कौन सा कोर्स चलेगा नहीं चलेगा, फीस कितना होगा कि नहीं होगा, ये भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तय करेंगे। तो ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मॉडल है एजुकेशन का और ये यूनियंस को ख़त्म करने का एक मॉडल है। टीचर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस प्लेसेस विल वो एनविसाज ही नहीं है, वहाँ पे नॉमिनेशन है पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एक टीचर की वॉइस को ख़त्म करने का, एम्प्लॉयज़ की वॉइस को ख़त्म करने का तरीका होगा। और सीनियोरिटी वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग प्रोबेशन पीरियड होंगे, टेन्योर ट्रैक होंगे। तो इस तरीके से एकदम हमारी जो सर्विस कंडीशन जो हम लगातार लड़ते रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन से लोग जुड़ें, इसका आर्ग्यू करती रही है डूटा, वो सारी चीज़ों को एक साथ NEP जो है खारिज करता है और एक नए मॉडल, कॉर्पोरेट मॉडल की ओर, कमर्शियल मॉडल की ओर पूरे पूरे एजुकेशन सेक्टर को धकेल रहा है। मोदी सरकार की ओर से ही हुआ था कि हम FIUP को रोल बैक करेंगे, आज ये सरकार पूरे देश के लिए FIUP लेकर आ रही है। इसके अंदर सबसे प्रॉब्लम ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे
पेरेंट्स और स्टूडेंट का खर्चा एक साल से बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें कि एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट दिल्ली बैठता है उसका लगभग 1.5 लाख से 2 लाख पर ईयर खर्चा होता है जस्ट बिकॉज दे आर सिटिंग अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस इन दिल्ली, एंड 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ उसका रेंट पे जाता है। ये भी इसको भी एजुकेशन के प्रति खर्चे को माना जाना चाहिए। तो जब आप फोर्थ ईयर बढ़ा रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी लेयर के लिए एक एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसी स्ट्रक्चर में से आप चाहते हैं कि अगर एक साल बाद स्टूडेंट आउट हो, एग्ज़िट ले, तो उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाए, 2 साल हो तो डिप्लोमा दे दिया जाए। तो ये जो हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बहुत ही डाइल्यूटेड डिग्रीज़ होंगी और इसके बेसिस पे नौकरी नहीं मिल सकता। जब आपके पास अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स बैठे हैं नौकरी के लिए, वहाँ पे सर्टिफिकेट का क्या मीनिंग होगा? और एक और चीज़, हमने पिछली बार भी जब एफआईयूपी को लड़े थे, हम क्यों लड़े थे कि ये जो जब आप एग्ज़िट दिखाते हो और कहते हो आप बाद में एंट्री ले लेना, इस वजह से कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा मिल रहा है, ये क्या काफ़ी है? बहुत सारे घरों में जब सवाल होगा और जिस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो कौन लोग हैं जो बाहर हो जाएंगे? एट्रिशन रेट एक्चुअली बढ़ेगा क्योंकि स्टूडेंट को लगेगा कि कोई चॉइस है, रियलिटी में कोई चॉइस नहीं है। तो घर में बात होगी महिलाओं के ऊपर कि अच्छा ठीक है आपने डिप्लोमा ले लिया, अब आप बाहर हो जाइए सिस्टम से। ये सारी दिक्कतें होने वाली हैं और जो लोग बाहर होंगे वो दलित, बहुजन, महिला, जिनका इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं, वही लोग बाहर होंगे। और एक तरीके से हम इससे एक स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर रहे होंगे कि वंस अगेन किसको वाइट कॉलर जॉब मिलेगा और कौन सर्विस सेक्टर में एक चीप लेबर की तरह भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रौंदे जाने की अमानवीय घटना के बाद बनारस सुलगने लगा है। इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने से आंदोलन के समर्थक गुस्से में हैं। 12 अक्टूबर की शाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने कैंडल जलाकर शहीद किसानों को याद किया और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अल्टीमेटम दिया कि अगर फर्जी रिपोर्ट वापस नहीं ली गई तो समूचे पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर आंदोलन प्रदर्शन शुरू होगा। वाराणसी में कैंडल मार्च में वो सभी छात्र भी शामिल हुए जिन्हें परेशान करने के लिए पुलिस ने लंका थाने में एफआईआर दर्ज की है। इन्हीं आंदोलनकारी छात्रों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कई दिनों से इनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। कैंडल मार्च रोकने के लिए कई दिनों से घेराबंदी कर रही बनारस पुलिस ने कई किसान नेताओं को भले ही हाउस अरेस्ट कर लिया लेकिन आंदोलन प्रदर्शन को नहीं रोक पाए। कोयलांचल की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद क्षेत्र से सटे बागमारा कोल साइडिंग में ठेके पर काम करा रही निजी आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की और इस घटना ने अब पूरे कोयलांचल में तूल पकड़ लिया है। साथ ही इस मुद्दे पर कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले किए जाने वाले मामले में कोल इंडिया की कोयला कंपनियों के प्रबंधन के निजी कंपनी परस्त भूमिका को लेकर भी बहस तेज हो गई है क्योंकि इन सभी सरकारी कोयला कंपनियों के प्रबंधन ने नीतिगत फैसलों के तहत दसियों बरस पहले से ही कोयला क्षेत्र के कई काम काज निजी आउटसोर्सिंग कंपनी को पहले ही सौंप रखा है। इतना ही नहीं, जब भी इन निजी आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी और शोषण के खिलाफ इससे काम कर रहे ठेका व असंगठित मजदूर कोई आवाज उठाते हैं तो कोल इंडिया का पूरा प्रबंधन वहां तैनात, सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस के बल पर दमन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। पश्चिम बंगाल में चल रहे ऑटम फेस्टिवल यानी शरद ऋतु त्योहार के दौरान 1200 से अधिक मार्क्सवादी साहित्य के बुक स्टॉल लगाए गए हैं। माकपा, जो 90% से अधिक मार्क्सवादी साहित्य से जुड़े स्टॉलों का संचालन कर रही है, वह उनका इस्तेमाल प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए भी करेगी। कोलकाता में लगाए गए 350 से अधिक बुक स्टॉल में से 109 से अधिक राजधानी के केंद्र में हैं और शेष कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में लगाए गए हैं। यदि कोलकाता महानगर क्षेत्र को ध्यान में रखा जाए तो शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह संख्या लगभग 400 के आसपास है। CPIM के अलावा अन्य वामपंथी दल जैसे CPIML, लिबरेशन SUCI, RASP, फॉरवर्ड ब्लॉक और CPI ने भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 10% स्टॉल लगाए हैं। वामपंथ के प्रगतिशील साहित्य का मुकाबला करने के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी मुख्य रूप से कुछ शहरी इलाकों में बुक स्टॉल लगाए हैं।
और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी 14 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 18,987 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से बीते दिन 246 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 19,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में करीब 1,000 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,00,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से अब तक 4,50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 3,33,00,000 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया जा चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या घटकर करीब 2,06,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजी जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक करीब 97 करोड़ डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 35,66,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।